जिला छिंदवाड़ा में यातायात विभाग द्वारा प्रतिदिन चौक चौराहों पर हेलमेट न लगाने वाले और सीट बेल्ट न लगाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं छिंदवाड़ा के यातायात थाने के सामने से बस स्टैंड तक की रोड को एक मॉडल रूप दिया गया है। इस रोड में यदि आपको चलना है तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको उस रोड से नहीं जाने दिया जाएगा। यातायात पुलिस द्वारा रोज सड़कों पर हेलमेट न लगाने वाले और सीट बेल्ट न लगाने वालों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि कई लोग हेलमेट के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। अब पुलिस द्वारा शहर के चिन्हित रोड को पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वालों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन साथ में उनसे कहा जा रहा है कि हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाने से आप और आपका परिवार सुरक्षित है। यातायात विभाग द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट अभियान जो चलाया जा रहा है, इस अभियान को VACC न्यूज 24 चैनल ने प्रमुखता से लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों से अपील की है। चेकिंग पॉइंट लगाकर बिना हेलमेट सीट बेल्ट को लेकर सर चेकिंग चल रही है, क्या है सर? जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस माह के प्रारंभ में ही एक जो सड़क है मॉडल रोड है उसमें 100% हेलमेट और सीट बेल्ट जो निर्धारित किया गया था, और सीट बेल्ट और हेलमेट लगा करके ही आप दो पहिया या चार पहिया वाहन में सवारी कर सकते थे उस जोन के अंदर। और यह भी निश्चित किया गया था कि लोगों को इसकी आदत डालने के लिए, सुरक्षित परिवहन के लिए ये स्थान बदल बदल करके ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी अनुक्रम में ये स्थान बदला गया है और अब पुलिस लाइन गेट से लेकर यातायात चौराहे तक जो सड़क मार्ग है उसको निर्धारित किया गया है कि उसमें सभी जो भी प्रवेश करेगा वो हेलमेट पहन करके और चार पहिया वाहन में है तो उसमें सीट पर लगा करके प्रवेश करेगा। ये कार्यक्रम एक सप्ताह के लिए उस रोड पर रहेगा, इसके बाद स्थान परिवर्तन होगा। पूरे पुलिस विभाग का यह एक अनूठा प्रयास है और इसके माध्यम से हम सभी को जागरूक भी करना चाह रहे हैं और लोगों की आदत में भी हम डालना चाह रहे हैं, ताकि सभी लोग सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा का आनंद ले सकें।